हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा सैमसंग गलेक्सी A6 प्लस, जिसका कलर है ब्लैक। इससे मैं पहले अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ सैमसंग गलेक्सी A6 प्लस की, जिसका कलर था ब्लू। आप देख सकते हैं इसका बॉक्स सैमसंग A6 प्लस। जल्दी से हम कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक इसकी, ऊपर एक पेपर लगा हुआ है, इन्फिनिट डिस्प्ले, ड्यूल कैमरा। बैक पे देख लें, फुल मेटल में है ये। हम रख देते हैं फ़ोन को एक साइड पर, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक्सेसरी। सबसे पहले आपको मिलती है क्विक स्टार्ट गाइड मैनुअल यूज़र बुक, जिसमें आपको पता लग सकता है क्या क्या नहीं है। एक मिलता है आपको चार्जर 1.5 एम्पेयर का, ये फास्ट चार्जिंग नहीं करता, 2 एम्पेयर भी पूरा नहीं है। आपको साथ में मिलती है एक हैंड फ्री, बूफर वाले नहीं है, विदाउट बूफर के कॉल के लिए और सॉन्ग के लिए नॉर्मल मिलेगी। एक मिलती है डाटा केबल, जो कि माइक्रो यूएसबी केबल, नो ये सी टाइप केबल नहीं दी गई। एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। तो हम जल्दी से आप कर लेते हैं अपने फ़ोन की तरफ। हम ये पेपर उतार देते हैं जो इस पर लगा हुआ है। तो आप देखते हैं वेरी नाइस फ़ोन, इसका ब्लैक कलर प्योर ब्लैक, फ्रंट भी ब्लैक है, बैक भी ब्लैक है। और दूसरा ब्लू कलर था, उसकी भी फ्रंट ब्लैक था, बैक ब्लू थी। फिजिकली इसकी लुक देख सकते हैं। इसके एक साइड पे आपको मिलता है पावर बटन अप, पावर बटन डाउन, और नीचे मिलती है 2 सिम ट्रे। एक में आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और एक दो में आप एट अ टाइम 2 सिम डाल सकते हैं। बैक पे देख लेते हैं, ड्यूल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, मेटल बैक इसकी दी गई है। हम कर लेते हैं जल्दी से अपने फ़ोन को ऑन। हमारा फ़ोन हो रहा है ऑन, सैमसंग गलेक्सी A6 प्लस। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन स्टार्टिंग एंड्रॉयड पे चला गया। हम जल्दी से मैं कर लेता हूँ इसका सेटअप, जो कि कुछ सेटअप करने के बाद वो आपको मिलेगा। स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा फ़ोन हो चुका है ऑन। आप देख सकते हैं इसका मेन डिस्प्ले, मेन कलर ग्राफिक्स आप चेक कर सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले दिया गया है, फ्रंट डिस्प्ले जो इसका दोस्तों वो दिया गया है 6.0 इंच इसका डिस्प्ले दिया गया है। फ्रंट पे एलईडी लाइट दी गई है, इसके एयर पीस है। बैक पे इसकी एलईडी लाइट, ड्यूल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर। फ्रंट डिस्प्ले जो इसका दिया गया है सुपर एमोलेड फेस्टिव टच स्क्रीन 16 mm कलर, 1080x22 pixels यानी कि रेजोल्यूशन डिस्प्ले दी गई है। पी पी आई इसकी 411 दी गई है। इसकी इसमें ऑलवे डिस्प्ले का ऑप्शन मौजूद है। इसमें जो सॉफ्ट दिया गया वो 8.0 ओरियो दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम बैक में आते हैं कि इसमें कितनी मेमोरी भी मिल रही है, कितनी यूज़ हो रही है। तो हम चल जाते हैं जल्दी से इसकी स्टोरेज में। तो सो आप देख सकते हैं इसकी 64 GB मेमोरी है और 11.9 GB इसकी यूज़ हो रही है। रैम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इसकी रैम चेकिंग कर रहा है। इसकी रैम दी गई है 4 GB, 1.6 GB रैम यूज़ है। अवेलेबल जो रैम है वो 1.9 GB जो इनकी यूज़ होती है उसके हिसाब मिला के आपको मिलती है रैम। इसमें एडवांस फीचर में गेम, 100 फिंगरप्रिंट सेंसर, गेस्टर इसमें मौजूद हैं। तो आप इसमें ड्यूल मैसेंजर, ड्यूल फेसबुक चला सकते हैं। इसमें आप ड्यूल व्हाट्सएप नहीं चला सकते। इसमें आपको नेक्स्ट में भी दिखता है फेस अनलॉक भी इसमें मौजूद दिया गया है। तो आप फिंगरप्रिंट भी देख सकते हैं, पैटर्न लॉक भी है, पासवर्ड इसमें दिया गया है। हम आ जाते हैं अब इसके कैमरों की तरफ, जो इसमें कैमरे दिए गए हैं ड्यूल कैमरे दिए गए। तो दोस्तों इसका बैक कैमरा ड्यूल है, 16 MP कैमरा 1.7 अपर्चर के साथ और +5 MP 1.9 अपर्चर के साथ दिया गया है। इसमें फेड डिटेक्शन, फोटो, एलईडी लाइट, जियो टैगिंग, ये 1080 पे वीडियो बनाता है, आप इजीली बना सकते हैं इस पर। ये ऑटो फोकस भी करता है और इसमें आप मैनुअल फोकस भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा दोस्तों जो इसका दिया गया 24 MP दिया गया है 1.9 अपर्चर विद LED फ्लैश लाइट के साथ। बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट पर आप इसका देख सकते हैं। CPU की बात करता हूँ, 8.0 इसमें जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर दिया गया है, कोलकॉम स्नैपड्रैगन 450 का इसमें दिया गया है। ऑक्टाकोर 1.8 कोर्टेक्स A53 CPU है इसमें। बाकी मज़ीद फीचर आप देख सकते हैं इसकी लुक। अगर आप ये फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो ये 45,000 की रेंज में आपको पाकिस्तान में मिलेगा। फ़ोन बहुत अच्छा है, इसमें ब्लर का ऑप्शन है, आप जैसे DSLR से तस्वीर लेते हैं वो ब्लर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक पर। अगर कोई भी आपसे इस मतलब कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं कोई रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हम मिलते हैं आपसे अगले आने वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।